पोप पर दिए विवादित बयान पर ईसाई समूह के विरोध के बाद ऋतिक रोशन ने माफी मांग ली है। ऋतिक ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की बात कही है। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच विवाद ने ऋतिक को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल ऋतिक ने अपने ट्वीट पर ईसाई धर्म गुरु पोप को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें ऋतिक ने कंगना पर तंज कसते हुए कहा था, मीडिया जिन आश्चर्यजनक महिलाओं के साथ मेरा नाम जोड़ रही है उससे कहीं ज्यादा संभावना मेरे और पोप के अफेयर की हो सकती है। धन्यवाद, लेकिन नहीं, धन्यवाद नहीं। यह बयान देकर ऋतिक ईसाई समुदाय के निशाने पर आ गए थे और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अमराहम मिथाई ने 30 मार्च को 295A के तहत ऋतिक को कानूनी नोटिस भेजा था और बिना किसी शर्त एक हफ्ते में माफी मांगने को कहा। आपको बता दें कि एक इवेंट में कंगना रनौत से यह पूछा गया था कि फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि आशिकी 3 में ऋतिक रोशन ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया है। जवाब में कंगना ने कहा, एक्स ऐसा करते रहते हैं, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ऋतिक ने ईसाई समुदाय से तो माफी मांग ली है, पर उनका कंगना से ट्विटर वार खत्म होगा या जारी रहेगा ये देखना बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।